नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की जड़ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इट्स इंडिया एक्ट 1784 तथा जितना भी इसमें दिया हुआ सबको पढ़ने वाले। संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक का विकास का निर्माण 1773 से 1950 तक चला। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। 23 जून 1757 को फलासी का युद्ध, बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे शॉर्टकट में EIC कहते हैं, EIC का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1764 का बक्सर का युद्ध जिसमें बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल वर्सेस EIC अर्थात नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। 1765 में इलाहाबाद के संधि क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों ध्यान दें, इलाहाबाद की संधि क्लाइव का नेतृत्व में, जबकि 1764 का बक्सर युद्ध जीता था कौन, हेक्टर मुनरो ने। बंगाल में द्वंद शासन की शुरुआत दो भागों में बांटा गया। पहला दीवानी अधिकारी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आय रेवेन्यू किया, जबकि दूसरा जो है व्यय प्लस सुरक्षा प्लस स्वस्थ इसे नवाबों को हाथों में सौंपा गया, यानी कि जिसमें लाभ हुआ स्वयं लिया। नोट, द्वंद शासक का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है, जबकि द्वंद शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित चार्टर एक्ट बनाया गया। दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें इस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल था क्लाइव, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इस अधिनियम में बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें 1+3 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड को बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के 4 कार्यकारिणी सदस्य को भी बनाया गया। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। दूसरा हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर किया गया तथा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा हमारा आता है जो VVI, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री विलियम पिट था, इसी के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। इसमें दोहरी प्रशासन को प्रारंभ हुआ, जिसमें कार्य को पृथक किया गया दो भागों में। पहला है व्यापारिक कार्य जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, और दूसरा है राजनीतिक कार्य जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। चौथा हमारा है 1786 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को वीटो को पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, यानी भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था शुरू की गई। अब हमारा आता है 1813 का चार्टर एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च प्रतिवर्ष करने का प्रावधान। चीन एवं चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया। ईसाई मिशनरी को अनुमति धर्म प्रचार के लिए किया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब हमारा आता है 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बाल्टिक को बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया।
विधि आयोग की स्थापना 1834 में, जिसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश एक ही बजट में तैयार करने का प्रावधान किया गया। मुंबई तथा मद्रास के परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। नोट, 1833 चार्टर एक्ट में ही दास प्रथा एक्ट आया, परंतु इसका उन्मूलन 1843 में एलिन बरो के द्वारा हुआ था। अब हमारा आता है लास्ट एक्ट, जो इस वीडियो में लास्ट है, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर यह अंतिम चार्टर था। इसमें अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को खुले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधायक की प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसके तहत नए परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी भारत शासन अधिनियम है उसको एक वीडियो में सेपरेट लेंगे, जिसमें होगा 1858, 1909, 1919, 1935 तथा 1950। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। अगर जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अब हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के बाद डाल